प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज मसीह समाज, प्रभु के लोग एक बहुत बड़ी कमी से जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी कमी का सामना कर रहे हैं। और ये कमी जो है, ये अंदर ही अंदर मसीहत को, मसीह समाज को और मसीह समाज के संस्कारों को खोखला कर रही है। और आप यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस विषय पर, बहुत गंभीर विषय है, आपकी जो राय है आप जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, आपके कमेंट्स में जरूर पढ़ूंगा। तो चाहे एक समाज हो, चाहे एक देश हो, कुछ भी हो, शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व होता है एक अच्छे सभ्य समाज को बनाने में। शिक्षा बहुत अहम होती है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे अनपढ़ रहें, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके बच्चे यदि अनएजुकेटेड रहेंगे, यदि उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो गलत फैसले लेंगे, वो गलत काम करेंगे, खुद भी गलत काम करेंगे और उनके आगे जितने भी लोग उनके साथ कनेक्टेड हैं, जो उन पर डिपेंड हैं, या अगर वो किसी तरीके से कुछ लोगों को लीड करते हैं, तो जिनको वो लीड करेंगे उनके पास भी गलत शिक्षा, गलत जानकारी ही कन्वे होगी। परिणाम स्वरूप एक गलत व्यक्ति के द्वारा गलत समाज बनेगा, गलत झुंड बनेगा, गलत ग्रुप बनेगा, और वो ग्रुप आगे ग्रुप्स बनाएगा और इस प्रकार गलतियां आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। और आज यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है, जिसकी वजह से आज मसीह समाज बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़े नुकसान को झेल रहा है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, विश्वास लेकर आता है, शुरुआत में उसका विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उसका एंथुजियाज्म जो होता है, उसका जोश बहुत ज्यादा होता है। और नए विश्वासी को ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा और सबसे ज्यादा मैं आगे आऊंगा, मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनूंगा, मैं हर एक चीज में हाथ डालूंगा, जिस काम में मैं हाथ डालूंगा वो काम सफल होगा, मेरे प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा, मैं बीमार के पर हाथ रखूंगा बीमार चंगे हो जाएंगे, मैं दुष्टात्मा को डांटूंगा दुष्टात्मा ही भाग जाएंगी। नया विश्वासी जो होता है वो इस प्रकार चीजों को करते रहता है, और जब वो बाइबल पढ़ता है तो इसी जोश की वजह से, इसी एंथुजियाज्म की वजह से उसको बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। वो बाइबल पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो पढ़ता है उसको निष्कर्ष, उसका निष्कर्ष निकालता है, उसका कुछ नतीजा निकालता है कि अच्छा यहां पर ये बात लिखी है तो इस बात का ये मतलब है। लेकिन क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वो जो निष्कर्ष निकालेगा वो निष्कर्ष जो है वो गलत होगा, जो शिक्षा उसने निकाली है वो शिक्षा गलत होगी, खास तौर पर पुराने नियम से और खास तौर पर भविष्यवाणी की पुस्तकों से और खास तौर पर संदर्भ वाली शिक्षाओं से, जहां पर कोई बात किसी को बताई गई है लेकिन वो सब पर लागू नहीं होती। लेकिन एक नए विश्वासी को, एक जोशीले विश्वासी को, और कई बार वो पुराने भी हो जाते हैं, जोश कई बार वैसे बना रहता है लेकिन एजुकेशन नहीं है, उसकी वजह से वो गलत फैसले लेते हैं, गलत शिक्षा लेते हैं, गलत निष्कर्ष निकालते हैं, और वही गलत निष्कर्ष वो आगे लोगों पर थोपते हैं, आगे लोगों पर डालते हैं। और यदि किसी का विवेक स्ट्रांग है तो वो तो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन किसी का विवेक यदि स्ट्रांग नहीं है तो वो उसी गलत शिक्षा को ग्रहण करेगा और वो गलत शिक्षा आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जरूरी है मसीह समाज के लिए, मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, खास तौर पर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, लागू तो सब पर होता है, बॉर्न अगेन हो या बॉर्न क्रिश्चियंस हो, सब पर लागू होता है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी बाइबल से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। तो सबके लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वो कम से कम बेसिक बाइबल टीचिंग, कम से कम बेसिक बाइबल टीचिंग जरूर ले, बाइबल के बेसिक्स उन्हें जरूर पता हो, इंटरप्रिटेशन के मेथड्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन सी बात किसे बोली गई है, किस संदर्भ में बोली गई है, जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का बैकग्राउंड क्या है, किन परिस्थितियों में लिखी गई है, बाइबल बाकी किताबों से अलग कैसे है, और क्यों बाइबल ही एकमात्र जीवन और सच्चाई का मार्ग है, क्यों बाइबल ही एकमात्र सच को दिखाने वाला एक रास्ता है। ज्यादा ना सही, बट बेसिक नॉलेज तो हर एक बिलीवर को, हर एक विश्वासी को मस्ट है, जरूर है कि होनी ही चाहिए।
लेकिन बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि क्रिश्चियंस को, मसीहों को ऐसा लगता है कि उन्हें बाइबल को पढ़ने, बाइबल को समझने और सबसे ज्यादा जरूरी बाइबल को समझाने के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बाइबल को पढ़ना और उसको पढ़कर समझना बच्चों का खेल है। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बाइबल अपने आप में एक लाइब्रेरी है, बाइबल अपने आप में एक पुस्तकालय है, और ये लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय विविधताओं से भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई है, उनका जॉनर अलग अलग है, उनका भाव अलग अलग है, कोई काव्य है, कोई इतिहास है, कोई जीवनी है, और आप एक ही तरह का ज्ञान और एक ही तरीके से सारी पुस्तकों को नहीं ले सकते। आप यकीन मानिए, आज बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे सो कॉल्ड प्रॉफिट्स बिना एजुकेशन लिए, बिना शिक्षा लिए, सिर्फ 2-4 महीने पास्टर के अधीन रहे और उनको लगा कि वो सेवा करने के लिए तैयार है। बिना शिक्षा लिए, बिना प्रॉपर नॉलेज लिए आज सेवा कर रहे हैं, और मैं कहूंगा सेवा नहीं कर रहे, डिजास्टर कर रहे हैं, डिजास्टर। ऐसे कितने ही केस मेरे सामने, मेरे पास आए हैं, जहां पर विश्वासियों ने ऐसे पास्टर्स से धोखा खाया है, ठोकर खाई है, और बहुत तो बैकस्लाइड भी हो गए हैं, क्योंकि वो ऐसे पास्टर्स के साथ जुड़े जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली थी, एथिक्स की, मोरल्स की, सभ्यताओं की। एक मसीह समाज कैसे डेवलप होता है, एक एटिकेट्स क्या है, बेसिक एटिकेट्स क्या है क्रिश्चियनिटी के, एक सेवक के क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी खासियतें क्या होनी चाहिए, उसके जीवन में फल कैसे दिखने चाहिए, इंटरप्रिटेशन के मेथड क्या है, टीचिंग के मेथड क्या है, कलीसिया को यदि सिखाना है तो कैसे सिखाना है, कौन सी बात किस पर अप्लाई होती है, कुछ जानकारी नहीं है। बस 2-4-6 महीने साल 2 साल पास्टर के अधीन रहे और उसके बाद सेवा करना, बगल में बाइबल दबा के सेवा करना चालू हो गए। ये आज मसीह समाज बन गया है। और एक सबसे बड़ी गलत फहमी आपको पता है क्रिश्चियंस में क्या है, कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा काम हो रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, तो वो एक योग्य पास्टर है, एक योग्य सेवक है। ये सबसे बड़ी भूल है क्रिश्चियंस की। एक छोटा बच्चा भी यीशु मसीह के नाम से चमत्कार कर सकता है, मैंने ये बात प्रैक्टिकली साबित करी हुई है। मेरा बेटा है 10 साल का, मैं उससे प्रार्थना कराता हूं और अद्भुत काम परमेश्वर उसके द्वारा करता है। खुद मैं अपने बेटे से प्रार्थना कराता हूं जब मुझे दिक्कत होती है, और मेरा बेटा प्रार्थना करता है, और यकीन मानिए उसके प्रार्थना करने से काम होते हैं, क्योंकि उसका मन एकदम साफ है और मैं विश्वास से रिसीव करता हूं, इसलिए काम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे से काम होते तो मैं उसको बोलूं कि पास्टर बन गया है और अब ये कलीसिया या प्रभु के झुंड की अगुवाई कर सकता है। वो बच्चा है, उसको नॉलेज नहीं है। विश्वासियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी की वजह से आज स्टेज पर खड़े होके सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, सो कॉल्ड प्रोपोस्टल्स, सो कॉल्ड पास्टर स्टेज पे खड़े होके बकवास कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, और कलीसिया को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तब भी हालेलुया कर रहे हैं। हैरानी की बात है, गंदी बातें स्टेज पर हो रही है और विश्वासी हालेलुया कर रहे हैं। उनको इतनी भी समझ नहीं है कि कौन सी बात एक आदर्श विश्वासी को, एक आदर्श प्रभु के दास को, एक सेवक को बोलनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, शिक्षा तो है नहीं, ना तो सीखा और ना ही किसी ने सिखाया। जो व्यक्ति स्टेज पर खड़ा हुआ अगुआ बना, उसे खुद जानकारी नहीं है, वो खुद अनपढ़ है, मसीहत में अनपढ़ है। हो सकता है उसने दूसरी शिक्षा ली हो सकता है 12वीं करी हो, ग्रेजुएशन जो भी करी हो, लेकिन उसको बाइबल की कुछ नॉलेज नहीं है। इसलिए गलत शिक्षा लेकर, अधूरी शिक्षा लेकर, बिना प्रॉपर बाइबल ट्रेनिंग लिए वो सेवा करता है, परिणाम स्वरूप खुद भी खड्डे में जाता है और पूरी भीड़ को भी खड्डे में लेकर जाता है। आज ये हो रहा है क्रिश्चियनिटी। विश्वासी कहीं पर भी, कोई भी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कहीं पर भी कोई भी कुछ भी हालेलुया 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 कर रहा है तो वहां पर फटाफट भीड़ लगाकर पहुंच जाएंगे कि वहां पर प्रार्थना हो रही, चलो प्रार्थना हो रही है। ये नहीं देखेंगे जो व्यक्ति बोल रहा है, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करो, उसकी हिस्ट्री क्या है चेक करो, क्या वो व्यक्ति एक सेवक होने के लायक भी है, उसकी टेस्टिमनी सुनिए कि उसने कहां से बाइबल ट्रेनिंग लिया है। उसके फलों से आप पहचान जाओगे वो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से वो लोगों को गाइड कर रहा है। एक दो बार किसी व्यक्ति के मुंह से आप बातें सुनकर जान जाओगे कि उस व्यक्ति को प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, या वो बस यूं ही
भीड़ में से निकल के बाइबल बगल में दबा के सेवक बन गया। ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है, इसलिए कम से कम पहले तो पूरी बाइबल ट्रेनिंग हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, मस्ट है। ये सिर्फ आपके संसार में रहने के लिए नहीं बल्कि आपके स्वर्ग में जाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर नॉलेज के आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप गलतियां करोगे। आप तो करोगे ही करोगे, जो सेवक जो पास्टर आपके पास है वो भी गलतियां करेगा, वो गलतियां करेगा, आप गलतियां करोगे, दोनों गलतियां करेंगे, और अंधा ही अंधे को रास्ता तो दिखा नहीं सकता, दोनों खड्डे में गिरेंगे। इसलिए आज मसीह समाज को चाहिए कि वो चिन्ह चमत्कारों का पीछा करना बंद कर दे। उनकी जरूरत है, ऐसा नहीं है जरूरत नहीं, जरूरत है, बट वो सब कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में आप देख लो चिन्ह चमत्कारों के बारे में आपको कितना विवरण मिलेगा, और शिक्षा देने के बारे में आपको कितना विवरण मिलेगा। और कितनी बार ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह के सामने भीड़ थी तो बजाय शिक्षा देने के प्रभु यीशु मसीह ने उनको चिन्ह चमत्कारों के पीछे लगाया। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि जो बिना देखे विश्वास करते हैं वो चिन्ह चमत्कारों का पीछा नहीं करते, वो शिक्षा का पीछा करते हैं, वो नॉलेज का पीछा करते हैं, वो ज्ञान सुनने के लिए प्रभु के पीछे आते हैं कि प्रभु अब कुछ बोलेगा, हमें कुछ नया सिखाएगा, हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। विडंबना की बात यह है कि जहां पर हालेलुया हालेलुया करके कोई चिन्ह चमत्कार की बातें कर रहा है वहां पर आपको बहुत सारी भीड़ मिल जाएगी, लेकिन यदि कहीं पर कोई ट्रेनिंग की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, वहां पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी, वहां पर आपको मुट्ठी भर लोग मिलेंगे, और वो मुट्ठी भर लोग भी धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे। ये हाल है मसीह समाज का, हालांकि ये अभी से नहीं है, हमेशा से ही है, बट मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो बनाने के द्वारा कम से कम मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मैं इस बारे में, शिक्षा के बारे में मसीह समाज को जागरूक कर रहा हूं। हमारे देश में किसी वक्त पर अनपढ़ता थी, अनपढ़ थे यहां पर, साक्षरता जो है इलिटरेसी रेट बहुत कम था, और यहां पर लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, जादू टोने के नाम पर, जातियों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, क्योंकि अनपढ़ लोग थे, बुद्धि थी नहीं। जिसके पास बुद्धि की कमी हो, जिसके पास एजुकेशन की कमी होती है, वो एजुकेशन की कमी उसको, उसकी सोच को छोटा बना देती है, और शिक्षा और एजुकेशन आपके सोच के दायरे को बड़ा करती है, आप बेहतर तरीके से सोच पाते हो। ये ऐसा ही है जैसा आपके घर में एक पानी का फिल्टर लगाया, आपने सस्ता क्वालिटी का 400-500 का फिल्टर लिया, आपके घर में गंदा पानी आता है, उसमें जहर मिला हुआ है, तो उसमें तरह तरह के विषाणु जीवाणु मिले हुए हैं, लेकिन आपके पास फिल्टर जो है वो फिल्टर अच्छा नहीं है, तो आपके अब जो पानी मिलेगा ना वो फिल्टर नहीं होगा, वो उस पानी के अंदर सारी बीमारियों के जीवाणु विषाणु मौजूद होंगे, परिणाम स्वरूप आप भी बीमार, आपका घर परिवार भी बीमार, आपके घर में आने वाले लोग भी बीमार, सब बीमार, यहां तक कि खतरनाक और भयानक बीमारियों के लगने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन वहीं अगर आप एक अच्छा महंगा वाला फिल्टर अपने घर में लगाते हो तो वो फिल्टर आपको सब बीमारियों से बचाता है। एजुकेशन भी ऐसा फिल्टर के जैसा ही है। अच्छी एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मतलब आप गलत और सही के बीच में अच्छे से फर्क करना सीख सकते हो, जान जाते हो, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन नहीं है या बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है तो आप फिल्टर करना नहीं जानोगे, गलत सलत फैसले खुद भी लोगे और औरों को भी गलत सलत ही सिखाओगे, और यही हो रहा है मसीह समाज में। गलत शिक्षा की वजह से लोग डिजास्टर कर रहे हैं। हमारे देश में जब लिटरेसी थी बेवकूफ बनाना आसान था, लेकिन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया, परिणाम स्वरूप लोगों ने एजुकेशन ली, और आज हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाना हालांकि अब भी थोड़ा सा आसान है, बट सबको नहीं, पढ़े लिखे तबके को नहीं, सिर्फ वो जो अनपढ़ तबका है उसको, आप उसको राजनीति पॉलिटिशियंस जो है वो धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, आपस में लड़ाते भी हैं और आसानी से उनकी सोच को मैनिपुलेट कर देते हैं, आसानी से उनको बहका देते हैं, तुम्हारे धर्म को खतरा है, तुम्हारे समाज को खतरा है, इसको मारो उसको मारो, और लोग सुनकर ऐसा करते भी है, लेकिन पढ़ा लिखा तबका ऐसा नहीं करता। पढ़ा लिखा तबका वो एजुकेशन की बात करता है, वो रिसोर्सेज की बात करता है, वो देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन अनपढ़ जनता सिर्फ धर्म के जातियों के पीछे भागती है, और यही बात आज मसीह समाज में भी है। एक अनएजुकेटेड व्यक्ति, क्रिश्चियन एजुकेशन के बिना वाला व्यक्ति, वो आपको लड़ाई करता हुआ मिलेगा, वो आपको जलन करता हुआ मिलेगा, वो आपको डिनोमिनेशंस की बात करता हुआ मिलेगा, वो आपको अज्ञानता की बात करता हुआ मिलेगा, वो आपको मैं उसका पास्टर, उस पास्टर का हूँ, मैं उस पास्टर का हूँ ये करता हुआ मिलेगा, वो आपको कलीसिया को बहकाता हुआ मिलेगा, लोगों को बहकाता हुआ मिलेगा, और प्रभु की कलीसिया में हर तरीके से आपको एक फूट डालता हुआ मिलेगा, और वो एक कैंसर की तरह बन जाएगा। जो शरीर में कैंसर रहता है ना, वो होता शरीर में ही है लेकिन शरीर को खराब करता रहता है। लेकिन एक एजुकेटेड क्रिश्चियन
जिम्मेदार मसीही वो एजुकेशन की बात करेगा, उसके अंदर आपको संस्कार मिलेंगे, उसके अंदर आपको व्यवहार मिलेगा, उसके अंदर आपको फल मिलेंगे, क्योंकि वो जागरूक है एजुकेशन के बारे में, वो जागरूक है कि बाइबल फलों के बारे में क्या कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने किन चीजों को प्राथमिकता दी, परमेश्वर ने किन चीजों को प्राथमिकता दी, इसराइलियों के साथ क्या हुआ जब वो कुड़कुड़ाए, और परमेश्वर उनसे क्या चाहते थे जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से बाहर निकाला। इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं एजुकेशन के बारे में आपको जागरूक करके। लेकिन आप अगर आज इस वीडियो को इस समय तक भी देख रहे हो, यहां तक भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपको परखना है अपने अगुए को, अपने पास्टर को, कि क्या वो एक एजुकेटेड क्रिश्चियन के जैसा, एक एजुकेटेड लीडर के जैसा, एक जिम्मेदार एक लीडर के जैसा बर्ताव कर रहा है, या फिर एक नए चेले के जैसा बर्ताव कर रहा है। क्या उसके अंदर आपको जलन मिल रही है, क्या आप उसके अंदर आपको चिढ़ मिल रही है, क्या वो आपको देखकर चिढ़ रहा है, क्या वो भेदभाव कर रहा है अमीर और गरीब में, क्या वो पैसे के पीछे भाग रहा है, पेट की लालसाओं के पीछे भाग रहा है, या प्रभु के वचन के पीछे भाग रहा है, उसके जीवन की प्राथमिकता क्या है, क्या उसके जीवन में आत्मिक फल है या नहीं। इस तरीकों से आप एक अच्छे और एक दुष्ट दास की पहचान कर सकते हैं। और मेरी सलाह यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस सेवक के साथ आप हो वो सेवक एक अच्छा सेवक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, या तो उसको जागरूक कीजिए कि भाई आप एजुकेशन लो, सीखो, और एजुकेशन लेके, प्रॉपर एजुकेशन लेके उसके बाद आप हमें सिखाइए। आपने खुद तो ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप हमें कैसे सिखाएंगे। आप पूछ सकते हैं अपने पास्टर से कि पास्टर जी क्या आपने शिक्षा ली है, क्या आपने ट्रेनिंग ली है, बताइए कहां से ट्रेनिंग ली है आपने। और उससे भी ज्यादा आप उसके फलों से उसको पहचान सकते हो, क्योंकि एक गलत ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति यदि आगे ट्रेनिंग देगा, जो हो भी रहा है, किसी ने खुद तो ट्रेनिंग ली है लेकिन वो आगे ट्रेनिंग दे रहा है, तो एक गलत ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति आगे गलत ट्रेनिंग देगा और उससे आगे से आगे गलत से गलत शिक्षा फैलती जाएगी। इसलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है गलत और सही को पहचाने, और गलत और सही को पहचान कर खुद भी शिक्षा लें और समाज को भी, मसीह समाज को भी शिक्षित करें, ताकि एक सभ्य, एक जिम्मेदार, सुशिक्षित मसीह समाज डेवलप हो। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।